स्टार्ट करते हैं अपन अपना चैप्टर एरोमेटिसिटी। एरोमेटिसिटी की बात करें तो हमने 3 या 4 लेक्चर पहले देख लिए थे और उसमें हमने क्या रीड किया था, उसमें हमने देखा था एरोमेटिक कंपाउंड। एरोमेटिक कंपाउंड के बाद हमने देखी थी एंटी एरोमेटिक कंपाउंड, एंटी एरोमेटिक के बाद नॉन एरोमेटिक कंपाउंड। अब इसके बाद डिस्कस करते हैं होमो एरोमेटिक कंपाउंड, ठीक है। और ये अपना एरोमेटिसिटी का लास्ट लेक्चर होगा। अगर मैं बात करूँ किसकी, होमो एरोमेटिक कंपाउंड की, तो उससे पहले क्या करते हैं, ये 2 एग्जाम्पल देखते हैं, क्योंकि होमो एरोमेटिक कंपाउंड को समझने के लिए इन दोनों का पता होना ज़रूरी है। वैसे मैं डायरेक्ट बताऊँगी, अगर तुम्हें डिटेल में समझना हो तो इससे पहले वाले वीडियोस में देख लेना, ठीक है। आप देखो यहाँ पर ये कंपाउंड है और ये ऐसे लिखा हुआ है, ये कौन सा चार्ज है, पॉजिटिव। अगर मैं इस कंपाउंड की बात करूँ तो ये कंपाउंड कैसा है, एरोमेटिक, एंटी एरोमेटिक या नॉन एरोमेटिक, क्योंकि हम पढ़ चुके हैं पहले, तो बता सकते हैं कि ये कंपाउंड कैसा है। तो क्या करेंगे, देखो यहाँ पर अकर्स रूल की बात करते हैं, साइक्लिक है, एक पाई बॉन्ड है, ऑड है, ऑड मतलब क्या हो गया, एरोमेटिक, और दोनों सिंगल बॉन्ड के बीच में क्या है, पॉजिटिव चार्ज। तो इसका मतलब ये कंपाउंड कैसा है, एरोमेटिक, क्योंकि मैंने इसको पहले बता रखा है, तो अपन डायरेक्ट कर रहे हैं इसके बाद। अच्छा, 2 सिंगल बॉन्ड यहाँ पे अगर कंटिन्यू आ जाते हैं, जैसे ये होता तो ये क्या हो जाता, 2 सिंगल बॉन्ड कंटिन्यू आ जाते हैं तो हम उसे क्या बोल देते हैं, नॉन एरोमेटिक, ठीक है, ये याद रखना। क्योंकि क्या होता है, देखो अगर ये पाई बॉन्ड यहाँ क्या करेगा, शिफ्ट करेगा, रोटेट करेगा, तो ये यहाँ जाएगा, तो नेक्स्ट वाले पे क्या है, कुछ है नहीं रोटेशन के लिए, ये वाला अकेला रह जाएगा, इसलिए क्या होता है, ये नॉन एरोमेटिक होता है। एरोमेटिक वही होते हैं जिनमें पाई बॉन्ड क्या होता है, कंप्लीट रोटेट होना चाहिए, पूरी रिंग में रोटेट होना चाहिए, जैसे बेंजीन में होता है। तो ये कंपाउंड कैसा हो गया, एरोमेटिक। अब इसके बाद नेक्स्ट वाले की बात करते हैं, यहाँ पर ये लिखा ऐसे, अब इसकी बात करो ये कंपाउंड एरोमेटिक होगा या नहीं होगा, तो क्या करेंगे, देखो वही 3 रूल लगा दो। कौन कौन से 3 रूल, फर्स्ट क्या है, कंपाउंड शुड बी साइक्लिक, साइक्लिक है, ठीक है। इसके बाद पाई बॉन्ड काउंट कर लो, पाई बॉन्ड कितने पाई बॉन्ड है, 3, 3 पाई बॉन्ड मतलब 6 पाई इलेक्ट्रॉन। और एक और बात क्या थी, अल्टरनेट, डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड, और दोनों सिंगल बॉन्ड के बीच में कौन सा चार्ज, पॉजिटिव चार्ज, अल्टरनेट है, इसका मतलब ये कंपाउंड कैसा है, एरोमेटिक, ठीक है। इन दोनों कंपाउंड को याद रखना, क्योंकि इन दोनों कंपाउंड से ही हम क्या डिस्कस करेंगे, होमो एरोमेटिक। इसका मतलब ये है, होमो एरोमेटिक के एग्जांपल्स जो हैं वो तभी समझ में आएंगे जब क्या हो, हमें इन दोनों के बारे में पता हो। अब ये दोनों हमने देख लिए, पहले भी देख रखे थे, इसको क्या कर देते हैं, यहाँ से हटा देते हैं, और इनको मैंने थोड़ा साइड में लिख रखा है। इसके बाद देखो यहाँ पर इस वाले कंपाउंड को डिस्कस करते हैं कि ये कंपाउंड क्या है। पहले अपना जनरल कंसेप्ट लगाते हैं कि ये क्या है, साइक्लिक है, एक पाई बॉन्ड है, एक पाई बॉन्ड मतलब क्या हो गया, ऑड है। इसके बाद क्या करना है, 2 सिंगल बॉन्ड क्या आ रहे हैं, कंटिन्यू, जहाँ पे भी 2 सिंगल बॉन्ड कंटिन्यू आते हैं इसका मतलब क्या हो गया, कि ये वाला जो पाई बॉन्ड है वो यहाँ से यहाँ जाएगा, रोटेट होगा। तो जब ये यहाँ से यहाँ जाएगा तो यहाँ पे शिफ्ट होने के लिए कुछ नहीं है ना, तो क्या हो गया, रोटेशन रुक गया, और रोटेशन रुक गया तो ये कंपाउंड कैसा हो गया, नॉन एरोमेटिक। वैसे भी हमने क्या देख रखा है कि 2 सिंगल बॉन्ड कंटिन्यू आ जाए तो वो क्या होता है, नॉन एरोमेटिक। तो ये कंपाउंड कैसा हो गया, नॉन एरोमेटिक, ठीक है। ऐसे ही यहाँ पर भी देखो, साइक्लिक है, 3 पाई बॉन्ड है, 3 पाई बॉन्ड ऑड है, 6 पाई इलेक्ट्रॉन, और 2 सिंगल बॉन्ड कैसे हैं, कंटिन्यू है, ये वाला सिंगल बॉन्ड और ये वाला सिंगल बॉन्ड कंटिन्यू आ गए, तो ये भी कैसा हो गया, अपनी कंडीशन के अकॉर्डिंग कैसा हो गया, नॉन एरोमेटिक। दोनों ही क्या है, ये नॉन एरोमेटिक है ना। अच्छा, एक बात और, इनमें हाइब्रिडाइजेशन देखो, यहाँ पर इस वाले कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन, यहाँ पर इस वाले कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन। हमने क्या पढ़ा था, एरोमेटिक कंपाउंड के लिए हाइब्रिडाइजेशन क्या होना चाहिए, हाइब्रिडाइजेशन या तो होगा sp2 और कहीं कहीं पे क्या मिलता है, sp। अब देखो यहाँ पे कौन सा है, इसकी बात करते हैं, 2 बॉन्ड बने हुए, तो बाकी के 2 पे कौन होगा, वैलेंसी कार्बन की कंप्लीट करोगे तो हाइड्रोजन, ठीक है। और यहाँ पे 4 बॉन्ड बन गए, इसका मतलब कितने सिग्मा, ये भी सिग्मा, तो हाइब्रिडाइजेशन कौन सा हो गया, sp3। तो sp3 वाला तो हमें पता है कि एरोमेटिक क्या होगा, कंडीशन फॉलो नहीं कर रहा। सेम यहाँ पर होगा, 2 बॉन्ड बने हुए हैं और 2 कौन आएंगे यहाँ पर, हाइड्रोजन, तो ये भी क्या हो गया, sp3, ठीक है। जबकि कंडीशन के अकॉर्डिंग एरोमेटिक कौन होता है, sp2 या sp वाला। इसका मतलब ये हुआ कि ये दोनों जो कंपाउंड हैं जो लिखे हुए हैं यहाँ पर, ये दोनों कंपाउंड कौन सी कंडीशन को फॉलो कर रहे हैं, ये फॉलो कर रहे हैं किसको, नॉन एरोमेटिक को, ठीक है। ये किसको फॉलो कर रहे हैं, नॉन एरोमेटिक को। अब क्या हुआ देखो, इसके बाद अगर मैं बात करूँ तो, लेकिन एग्जैक्टली क्या होता है, ये दोनों कंपाउंड नॉन एरोमेटिक नहीं होते, क्या होते हैं, ये होमो एरोमेटिक। अब क्या हो गया इनमें ऐसा, तो देखो इसको दोबारा बनाते हैं, यहाँ पर ये बनाया, ये पॉजिटिव चार्ज, ये वाला कंपाउंड कैसा है, अभी नॉन एरोमेटिक है। और नॉन एरोमेटिक कैसे होते हैं, नॉन एरोमेटिक स्टेबल नहीं होते,
सबसे ज़्यादा स्टेबल कौन होते हैं? सबसे ज़्यादा स्टेबल होते हैं एरोमेटिक कंपाउंड, है ना। सबसे ज़्यादा स्टेबल कौन होते हैं? एरोमेटिक कंपाउंड। और लाइफ में हर कोई क्या होना चाहता है? स्टेबल। तो कंपाउंड भी क्या होना चाहते हैं? स्टेबल होना चाहते हैं। इसे भी स्टेबल होना है। बताओ ये स्टेबल कब होगा? ये स्टेबल तब होगा जब ये किस में कन्वर्ट हो जाए? एरोमेटिक कंपाउंड में। कुछ ऐसा हो जाए कि ये एरोमेटिक बन जाए, ठीक है, और ये चाहता भी एरोमेटिक बनना, तो क्या करेगा? देखो ये तो sp3 है, इसे तो कोई मतलब ही नहीं है, ठीक है। अब क्या होता है, ये पॉजिटिव चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज स्टेबल होने के लिए क्या करेगा? रोटेशन। कैसे करेगा? पॉजिटिव चार्ज के पास इलेक्ट्रॉन कम है, डेफिशिएंट है, ये कह रहा है इससे पाई बॉन्ड से भी मुझे इलेक्ट्रॉन देते हैं, थोड़ी देर के लिए मेरे पास भी इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे, तो ये वाला पाई बॉन्ड यहाँ से कहाँ चला गया? इधर चला गया, ठीक है। इसने भी इसको दे दिया, भाई तू भी थोड़ा स्टेबल हो ले। अब क्या हुआ, देखो यहाँ पर इसको बनाए तो ये बना ऐसे, ये इधर ऐसे, ये वाला पाई बॉन्ड पहले कहाँ था? देखो इसकी मैं नंबरिंग करूँ तो 1, 2 और ये क्या हो गया? 3। पहले ये था 1 और 2 के बीच में, ठीक है, ये वाला 1 और 2 के बीच में था। और अब बताओ ये वाला पाई बॉन्ड कहाँ जा रहा है? ये वाला पाई बॉन्ड यहाँ था। अब तुम देखो मैं डायरेक्ट कर रही हूँ, ये वाला पाई बॉन्ड यहाँ से रोटेट होके कहाँ जा रहा है? इधर जा रहा है। किस किस के बीच में जा रहा है? 2 और 3। पहले 1 और 2 था और अब कहाँ जा रहा है? 2 और 3। और 1 से हट गया तो यहाँ पे कौन सा चार्ज? पॉजिटिव। बताओ इस पे कोई इफेक्ट पड़ा क्या? ये तो अभी भी क्या रहा? sp3 रहा, ठीक है। sp3 तो ऐसे समझ लो काम बिगाड़ने के लिए बैठा है। हाँ, इसी ने बिगाड़ा है काम, बिगाड़ना काम क्या, इसी ने बिगाड़ा है। अच्छा अब देखो यहाँ पे हो क्या रहा है, कौन कौन ऐसा है जो रोटेशन में पार्टिसिपेट कर रहा है? अगर मैं बात करूँ तो एक तो ये वाला कार्बन 1, एक 2 और ये क्या है? 3। ऐसे ही तो हो रहा है, 2 और 3 के बीच में क्या आ गया? डबल बॉन्ड आ गया। और यहाँ पे 1 पे क्या आ गया? पॉजिटिव चार्ज। तो कौन कौन ऐसा है जो बॉन्ड रोटेशन में पार्टिसिपेट कर रहा है? हैं तो रिंग में कितने कार्बन? 4 कार्बन है रिंग में, लेकिन पार्टिसिपेट कौन कर रहा है? सिर्फ 3, 1 वाला 2 वाला और 3 वाला। ये सब कुछ हो क्यों रहा है? टू बी स्टेबल। स्टेबल होने के लिए क्या हो जाएगा? ये अपने आप को कन्वर्ट करेगा किस में? देखो इसको बनाते हैं ऐसे, ये बना, ये ऐसे बना, इसके बाद यहाँ से 1 पे, कभी तो 1 पे पॉजिटिव चार्ज ये बने और कभी किस पे आ रहा है? 3 पे पॉजिटिव चार्ज। इसका मतलब यहाँ से लेके इधर से लेके इधर तक ही तो क्या हो रहा है? रोटेशन हो रहा है, कभी पाई बॉन्ड इधर, कभी पाई बॉन्ड इधर, और बीच में क्या आ रहा है? पॉजिटिव चार्ज। इसको हमने ऐसे बना दिया, ठीक है। और इसके बाद जो साइड वाला है उसको ऐसे ही रखते हैं, साइड वाले को दूसरे पेन से शो कर देते हैं। ये रहा ऐसे। अब ये वाला कंपाउंड तो क्या है? कार्बन क्या है? sp3 है। और ये वाला क्या बन गया बताओ? देखो इसको अच्छे से देखो, 3 तो कार्बन, 1st, 2nd और ये क्या है? 3rd। और इस 3 कार्बन की रिंग में एक डबल बॉन्ड है और एक क्या है? पॉजिटिव चार्ज जो रोटेट कर रहे हैं। 3 कार्बन है, डबल बॉन्ड है और पॉजिटिव चार्ज है जो क्या कर रहे हैं? रोटेट कर रहे हैं। तो तुम अच्छे से देख के बताओ ये वाला पार्ट क्या बन गया? ये वाला बन गया एरोमेटिक, और ये वाला कैसा था? नॉन एरोमेटिक, ठीक है। इसका मतलब हम बात करें ओवरऑल, पहले पूरा कंपाउंड नॉन एरोमेटिक था और जो बाद में क्या बन गया है? एरोमेटिक बन गया है। सच टाइप ऑफ कंपाउंड्स आर कॉल्ड होमो एरोमेटिक। तो होमो एरोमेटिक को अपन ऐसे शो करते हैं। अगर मैं इसके लिए एक बात करूं कि पहले ये कंपाउंड क्या होते हैं? नॉन एरोमेटिक, क्योंकि वहां पे 2 सिंगल बॉन्ड क्या होते हैं? कंटिन्यू आ जाते हैं, नॉन एरोमेटिक होते हैं, ठीक है। उसके बाद क्या होगा, ये किस में कन्वर्ट हो जाएंगे? एरोमेटिक में, एरोमेटिक में कन्वर्ट हो जाएंगे। एंड सच टाइप ऑफ कंपाउंड आर कॉल्ड होमो एरोमेटिक। कंडीशन क्या है कि इनमें जो sp3 कार्बन होता है वो रिंग से कहाँ चला जाता है? आउट ऑफ द प्लेन, क्योंकि ये तो प्लेनर हो गए, रोटेशन यही हो रहा है। ये वाला कहाँ चला गया? आउट ऑफ द प्लेन। कौन सा कार्बन? sp3 कार्बन, ठीक है। इनको हम क्या बोलते हैं? होमो एरोमेटिक। ऐसा किसी बुक में नहीं लिखा मिला है, केवल समझने के लिए, बस ये भी याद रखना कि sp3 कार्बन होना चाहिए। इसके बाद देखो नेक्स्ट बात करते हैं, इस एग्जांपल को डिस्कस करें तो ये भी कैसा है? नॉन एरोमेटिक है। और हमें पता है कि नॉन एरोमेटिक क्या होते हैं? स्टेबल नहीं होते। इसे भी स्टेबल होना है। अब इसे भी स्टेबल होना है तो ये क्या करेगा? कुछ ऐसा कि जिससे इसमें क्या आ जाए? एरोमेटिसिटी आ जाए, क्योंकि एरोमेटिक वाले ही क्या होते हैं? स्टेबल। तो क्या होगा? देखो ये कंपाउंड कन्वर्ट होगा कैसे? नंबरिंग कर देते हैं। देखो 1 ये लिखा है यहाँ पे, 1, 2, 6 और पॉजिटिव चार्ज वाले पे हमने यहाँ पे लगा दिया 7, ठीक है। इसके बाद देखो 7 मेंबर रिंग बनाते हैं, ये बन गई यहाँ पे, इसकी नंबरिंग करते हैं 1, 2, 3, 4, 5, 6 और ये क्या हो गया? 7, 7 मेंबर रिंग। अब देखो 1 और 7 इन दोनों के बीच में क्या है?
ये वाला कार्बन है, ठीक है, कौन सा कार्बन है, sp3। तो इस वाले कार्बन को थोड़ा सा अलग दिखा देते हैं, क्योंकि हमें पता है कि इसमें हमने देख लिया ना कि sp3 वाला क्या करेगा, रोटेट नहीं करेगा, तो इसको हम थोड़ा सा अलग से दिखा देते हैं। ये वाला कार्बन कौन सा हो गया, जिसके पास दो हाइड्रोजन हैं और ये क्या है, sp3 है, ठीक है। अब देखो यहाँ पर अगर मैं बात करूँ डबल बॉन्ड लगाओ, कहाँ कहाँ पे डबल बॉन्ड है, 1 और 2 के बीच में डबल बॉन्ड, 3 और 4 के बीच में, और 5 और 6, और 7 पे क्या है, पॉजिटिव चार्ज, ठीक है। अब देखो यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज, इसके पास इलेक्ट्रॉन कम है, इसे क्या चाहिए, इलेक्ट्रॉन। कौन देगा इलेक्ट्रॉन, इनमें से कोई भी दे सकता है। जब ये इलेक्ट्रॉन रोटेट होंगे तो देखो यहाँ से क्या होगा, ये वाला पाई बॉन्ड यहाँ से कहाँ जाएगा, इसके पास, जैसे ये यहाँ आएगा ये वाला इधर जाएगा, ऐसे ही रोटेशन होता रहेगा। तो क्या बनेगा, देखो अगर मैं इसको बनाऊँ तो कुछ ऐसा बनेगा, यहाँ बनाते हैं, देखो 1 वाले और 2 वाले ने पाई बॉन्ड किसको दे दिए, 7 वाले को, तो 1 और ये क्या है 7, इसके बीच में क्या बन जाएगा, पाई बॉन्ड बन जाएगा, मतलब बॉन्ड बन जाएगा। 2 पे कौन सा चार्ज आएगा, पॉजिटिव, ऐसे ही होगा। अब इसके बाद क्या होगा, इसको इलेक्ट्रॉन चाहिए, तो ये वाला बॉन्ड यहाँ से यहाँ शिफ्ट हो जाएगा, ठीक है, फिर ये वाला बॉन्ड यहाँ से शिफ्ट हो जाएगा। इसका मतलब क्या हो गया कि टोटल कार्बन तो रिंग में कितने, टोटल कार्बन रिंग में कितने, 8 कार्बन है, लेकिन 8 में से 1 को अलग कर दो, sp3 वाले को, आउट ऑफ द प्लेन के बाहर चला गया, कितने रह गए यहाँ पर, 7। और उन 7 ने क्या किया, मिलकर अपने आप को किस तरह से अरेंज कर दिया, जिससे वो किस में कन्वर्ट हो जाए, एरोमेटिक कंपाउंड में कन्वर्ट हो जाए। अब देखो क्या हो रहा है यहाँ पे, अगर मैं इसकी नंबरिंग करूँ तो वही सेम 1 2 3 4 5, और ये क्या हो गया, 6, और ये जो 6 हैं 7 हैं वो बिल्कुल इस तरह से हो गई। देखो तीन पाई बॉन्ड है यहाँ पर, और एक क्या है यहाँ पे, पॉजिटिव चार्ज, 3 पाई बॉन्ड और एक क्या है, पॉजिटिव चार्ज। रोटेशन होगा, और रोटेशन होगा तो ये कंपाउंड किस में कन्वर्ट हो जाएंगे, इस तरह से बॉन्ड बन जाएगा। इसको ऐसे बना सकते हैं अपन, यहाँ से लेके यहाँ तक कौन सा चार्ज रोटेट कर रहा है, पॉजिटिव चार्ज, और ये तो बिल्कुल अलग है रिंग के बाहर, sp3, ठीक है। तो पहले कंपाउंड कैसा था, नॉन एरोमेटिक, बाद में कैसा हो गया, एरोमेटिक, पार्शियली एरोमेटिक बोल सकते हो, पार्शियली एरोमेटिक। और क्योंकि ये वाला कार्बन कहाँ चला गया, आउट ऑफ द प्लेन, ऐसे मान लो यही काम बिगाड़ने वाला था, इसके कारण ही रिंग क्या हो रही थी, नॉन एरोमेटिक हो रही थी। इन सब ने मिलके इसको कहाँ कर दिया, बाहर कर दिया, प्लेन रिंग से कहाँ कर दिया, बाहर की साइड कर दिया, और ये क्या बन गया, एरोमेटिक। दीज कंपाउंड आर कॉल्ड होमो एरोमेटिक कंपाउंड, ठीक है। इसके बाद हम डिस्कस करते हैं कुछ ऐसे कंपाउंड जो क्या हैं, एरोमेटिक तो हैं लेकिन नॉन बेंजीनॉइड, यानी उनकी स्ट्रक्चर क्या होगी, बेंजीन जैसी नहीं होगी। अच्छा इसकी बात करो, इस कंपाउंड में यहाँ पर एक ही रिंग है ना, तो एक ही रिंग को मोनोसाइक्लिक। अब हम पढ़ेंगे बाईसाइक्लिक, या फिर ऐसे बोल दो कि 2 से ज़्यादा हैं तो पॉलीसाइक्लिक, 2 वालों को भी पॉली बोल देते हैं। देखो नेक्स्ट बात करते हैं अपन, क्रैक्स रूल कहाँ से आया यहाँ पर, जो एरोमेटिक कंपाउंड होते हैं उनको डिटरमाइन करने के लिए हम किसका यूज़ करते हैं, क्रैक्स रूल का। अब तुम बोलोगे कि हम तो हकल्स रूल का यूज़ करते हैं, हकल्स रूल का यूज़ करते हैं लेकिन कहाँ पर, जहाँ पे मोस्टली कंपाउंड जिनकी स्ट्रक्चर कैसी होती है, बेंजीन लाइक होती है, उनके लिए अपन कर देते हैं, ठीक है। जैसे ये बेंजीन है, बेंजीन अब बन गया, ये बेंजीन, ऐसे ही यहाँ पर ये क्या बन गया, नेफ्थलीन, ठीक है। लेकिन जहाँ पर क्या होता है, नॉन बेंजीनॉइड स्ट्रक्चर हो और दूसरा क्या हो, पॉलीस, ये कंडीशंस है कि कहाँ पर क्रैक्स रूल को फॉलो करना है, तो इनके लिए तो अपन क्या करते हैं, हकल्स रूल को फॉलो करते हैं। अब यहाँ पे क्या होगा, पॉलीसाइक्लिक, यानी एक से ज़्यादा रिंग हो, ठीक है। इसके बाद क्या होगा, नॉन बेंजीनॉइड, इनमें से कोई भी बेंजीन जैसा नहीं है, बेंजीन में 6 कार्बन होते हैं, यहाँ पे कितने हैं, 7 कार्बन है, ठीक है, ये हो गया 4 5 6 7। नेक्स्ट बात करते हैं, C2 एक्सिस प्रेजेंट होनी चाहिए तभी अपन किसको देखेंगे, क्रैक्स रूल को। अब C2 एक्सिस क्या होता है, C2 सिमेट्री एक्सिस, इसकी मैं अभी बात करते हैं। और कंपाउंड साइक्लिक और प्लेनर तो यहाँ पर भी होना चाहिए, वो हमने देखा था। सबसे पहले बात करते हैं, ये तो हम समझ में आ गया कि पॉलीसाइक्लिक नॉन बेंजीनॉइड कंपाउंड क्या होते हैं, C2 एक्सिस क्या होते हैं, इसे हम कैसे देखेंगे। देखो मैं यहाँ पर सिंपल से एग्जाम्पल लिखती हूँ, H2O, और इस H2O की स्ट्रक्चर की बात करूँ तो यही होगा H2O, ऊपर 2 लोन पेयर होते हैं, ठीक है, लोन पेयर से अभी हमें कोई काम नहीं है। अब क्या हुआ, दोनों हाइड्रोजन सेम है ना, मैंने यहाँ पे एक एक्सिस डाल दी बीच में से, ऐसे मान लो कि एक थ्रेड ले लिया, धागा ले लिया, उसको हमने यहाँ से बीच में से यहाँ से पास कर दिया, ठीक है।
यानी एक रॉड ले ली, अब उस रॉड को ऑक्सीजन के बीच में से डाल दिया। उसके बाद क्या किया हमने, यहाँ पर सपोज करना, यहाँ पर ये है सेंटर में कौन है, ऑक्सीजन, ये हाइड्रोजन, और यहाँ पे भी कौन है, हाइड्रोजन है। बीच में से क्या एक रॉड आ रही है, उस रॉड को हमने यहाँ पे ऐसे रोटेट किया 180 पर, उस रॉड को हमने लिया और 180 पर रोटेट कर दिया। जब हमने रॉड को बीच में लिया, ऑक्सीजन के ऊपर डाल रखा है यहाँ पर, जब रोटेट करेंगे तो क्या होगा, ये कंपाउंड भी क्या होगा, 180 डिग्री पर रोटेट हो जाएगा। ऐसे ये ऐसे है, अब ये जैसे ही हमने क्या किया, एक्सेस को रोटेट किया कितने पर, 180 पर, तो ये भी क्या होगा, ऐसे रोटेट हो जाएगा। ठीक है, पहले ऐसे था, 180 पे किया तो ये भी क्या हो जाएगा, ऐसे रोटेट हो जाएगा। अब देखो 180 पर हमने इसको रोटेट कर दिया तो क्या होगा, ऐसे ही तो शिफ्टिंग होगी। ऐसे देखो, पहले ऐसे था ये, 180 पे किया तो ये क्या हो जाएगा, ऐसे हो जाएगा। ये वाला H यहाँ आ जाएगा, लेफ्ट वाला राइट में, और राइट वाला कहाँ आ जाएगा, लेफ्ट में। बताओ बिल्कुल सेम स्ट्रक्चर बन गई ना, इसको हम बोलते हैं सिमेट्री एक्सिस। ठीक है, सिमेट्री एक्सिस क्या हुआ, जो इसको मैं 1 कर देती हूँ, इसे क्या कर देती हूँ, 2। तो 1 वाला कहाँ चला गया, 2 पर, ये आ गया यहाँ पे H 1, और 2 वाला कहाँ पर आ गया, 1 पे आ गया। ऐसे ही तो हो रहा है, 1 और 2 तो हमने लिखे हैं, स्ट्रक्चर तो क्या है, सिमिलर ही है। ठीक है, लेकिन इसका मतलब क्या हो गया कि इसमें H2O में अगर हम एक एक्सिस डाल देते हैं और उससे रोटेट करते हैं कितने डिग्री एंगल पर, 180 पर, तो हमें क्या मिलती है, सिमिलर स्ट्रक्चर मिलती है। दिस इज़ कॉल्ड C2 एक्सिस ऑफ सिमेट्री। अब क्या होता है यहाँ पर देखो, इसमें बात करते हैं, अच्छा एक बार यहाँ और देखो, इस वाले कंपाउंड में हमने क्या किया, C2 एक्सिस डाल दी बीच में से, ये डबल बॉन्ड लगे हुए हैं यहाँ पर, C2 एक्सिस डाल दी। अब हमने जो क्या है, रॉड है, वो यहाँ से डाली है बीच में से, और अब हम इसको रोटेट कर रहे हैं। रोटेट करोगे तो क्या होगा, ऊपर वाला कार्बन ऐसे तो रोटेट करेंगे, देखो ऐसे है, इसको रोटेट किया 180 पर, तो क्या होगा, ये वाला यूँ घूमेगा और यहाँ आ जाएगा, ऐसे ही होगा ना। ये वाला ऐसे था, अब ये क्या होगा, ये वाली जो फिंगर है वो तो कहाँ आ जाएगी, नीचे घूम के। इसका मतलब ये वाला कार्बन तो आ जाएगा नीचे, और ये वाला कार्बन कहाँ आ जाएगा, ऊपर। लेकिन स्ट्रक्चर क्या बनेगी, सेम ही बनेगी। तो ऐसे ही यहाँ पर होता है, इस कंपाउंड में चेक करना है हमें कि इनमें से कौन सा कंपाउंड तो एरोमेटिक है और कौन सा कंपाउंड एरोमेटिक नहीं है, नॉन एरोमेटिक है। तो कैसे करोगे, देखो क्या करेंगे यहाँ पर, फर्स्ट कंडीशन को देखो, क्रैक्स रूल के अकॉर्डिंग पॉलीसाइक्लिक, एक से ज़्यादा रिंग है, नॉन बेंजीनॉइड, बेंजीन जैसी स्ट्रक्चर नहीं है। C2 एक्सिस को चेक करते हैं, क्या किया C2 एक्सिस, ये हमें ट्राई करनी पड़ती है, देखनी पड़ती है कि कहाँ से लगेगी C2 एक्सिस। तो C2 एक्सिस लगाने के बाद क्या होगा, देखो यहाँ से लगाया, इस वाले कार्बन और यहाँ से, और हमने यहाँ से लेके यहाँ तक एक बीच में क्या डाल दी, थ्रेड डाल दिया या रॉड डाल दी, ये लो। और कितने एक्सिस पे रोटेट कर रहे हैं, C2 पर, ऊपर या नीचे कैसे भी कर लो। अब ये देखो क्या होगा, जैसे ही हम इसको रोटेट करेंगे इस वाले पर, तो जो नीचे वाले हैं वो खाएंगे ऊपर, और ऊपर वाले खाएंगे नीचे। इसका मतलब क्या हो गया, जैसे ये वाला कहाँ गया था, ऊपर की साइड, तो ये वाला किसको रिफ्लेक्ट करेगा, इसको करेगा। इसकी जगह पर कौन आएगा, ये वाला आएगा। ठीक है, क्या करें, स्टार लगा देते हैं, इसकी जगह पर कौन आएगा, स्टार वाला, ये वाला आ जाएगा। इसकी जगह पर इस वाले कार्बन पर जहाँ पे डबल टिक है वो ये वाला आ जाएगा। इसका मतलब सब क्या हो रहे हैं, एक दूसरे के पोजीशन पर जाएंगे, लेकिन स्ट्रक्चर क्या बनेगी, सेम ही बनेगी। तो इसमें C2 एक्सिस क्या है, प्रेजेंट है। इसके बाद क्या होगा, यहाँ पर ये दोनों कंडीशन फॉलो हो गई, साइक्लिक प्लेनर, सारे कार्बन sp2 हैं। अब देखो कितने पाई बॉन्ड है, 1 2 3 4, ये हमने पढ़ रखा है, इवन पाई बॉन्ड है, और इवन पाई बॉन्ड होते हैं तो हम इसको क्या बोल देते हैं, एंटी एरोमेटिक। ठीक है, तो ये कंपाउंड क्या हो जाएगा, एंटी एरोमेटिक। इसको तुम साइक्लिक, ये तो फर्स्ट कंडीशन फॉलो हो ही रही है, यहाँ पे भी अपन क्या पास करेंगे, C2 एक्सिस पास करते हैं। जैसे ही C2 एक्सिस कहाँ से पास करें, देखो यहाँ से पास करते हैं C2 एक्सिस, और जैसे ही यहाँ से C2 एक्सिस ऐसे पास करना कि जितने नंबर ऑफ कार्बन ऊपर हो उतने ही कहाँ जाए नीचे। अब देखो यहाँ पर, इसमें देखो कार्बन 1 2 3 4 कहाँ पर है, ऊपर, और नीचे देखो 1 2 3 और ये 4। ठीक है, तो ये वन, जैसे इसको हम घुमाएंगे ऊपर, तो नीचे के 4 कार्बन और ऊपर के 4 कार्बन एक दूसरे की जगह पर आ जाएंगे, सिमेट्री प्रेजेंट है। कितने पाई बॉन्ड है, 5 पाई बॉन्ड है, और 5 पाई बॉन्ड का मतलब क्या हो गया, ऑड, और ऑड वाले को हम क्या बोलते हैं, एरोमेटिक। इसका मतलब क्या हो गया कि ये जो कंपाउंड है वो कैसा हो जाएगा, एरोमेटिक हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद हम बात करते हैं, इसमें एक बात और याद रखनी है कि इसमें सिर्फ दो ही कंडीशन आती है, या तो डायरेक्ट हम क्या बोलेंगे, एरोमेटिक, या फिर हम क्या बोलेंगे, नॉन एरोमेटिक। तो यहाँ पर अगर एंटी एरोमेटिक ना हो तो ऑप्शन में क्या मिलेगा, नॉन एरोमेटिक। ठीक है, ये कंपाउंड कौन सा हो जाएगा, नॉन एरोमेटिक।
ये हो गए अपने होमो एरोमेटिक कंपाउंड भी हो गए, क्रैक्स रूल भी हो गया, और लास्ट टॉपिक डिस्कस करते हैं